वक्त आ रही ये बड़ी जानकारी, कोटा से बड़ी खबर, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का कोटा दौरा आज। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत करेंगे पद यात्रा। आज फिर मिलेगी कोटा को विकास कार्यों की सौगात। बोरखेड़ा फ्लाईओवर का मंत्री धारीवाल करेंगे लोकार्पण। कुन्हाड़ी में विकसित की गई चौपाटी का भी करेंगे शुभारंभ। जयपुर की तर्ज पर विकसित की गई है चौपाटी। तो यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोटा के दौरे पर हैं और आज कई विकास कार्यों की सौगात कोटा को मिलने वाली है। हमारे सहयोगी तेजपाल बग्गा, तेजपाल जरा बताएं, जो दौरा रहने वाला है यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का, कैसे इस दौरे को देखा जाए और कितनी सौगातें आज जो है कोटा को मिलेंगी? कायनात, यूडीएच मंत्री पिछले 3 दिनों से कोटा में है और लगातार कोटा को विकास की सौगातें दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज कोटा में वह बोरखेड़ा फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे, उसके बाद शाम को कुन्हाड़ी में चौपाटी का भी उद्घाटन करेंगे जो कि जयपुर की तर्ज पे बनाई गई है। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो बेरोजगार लोग हैं उनको दुकानें आवंटित की गई हैं, जिनसे उनको रोजगार मिल पाएगा। साथ ही शांति धारीवाल की मंशा है कि कोटा में पर्यटक का विकास तेजी से हो, इसी के क्रम में ये चौपाटी यहाँ बनाई गई है। जी कायनात, तेजपाल अगर देखा जाए तो इस साल के अंत में जो है विधानसभा चुनाव भी होने हैं राजस्थान में, तो इस तरह से ये कहें कि कांग्रेस ने एक प्रकार से, गहलोत सरकार ने विकास की गंगा बहा दी है, क्या लगता है कि हवा का रुख क्या रहने वाला है, क्या इन तमाम चीजों का असर जो है वो पड़ेगा चुनाव पर? बिल्कुल, चुनाव पर इसका असर पड़ेगा। कोटा में तो यूडीएच मंत्री ने विकास की गंगा बहा रखी है, लगभग 40,000 करोड़ रुपए के कार्य यहाँ पर पिछले 4 वर्षों में हुए हैं। साथ ही पूरे कोटा शहर का नक्शा यूडीएच मंत्री ने बदल के रख दिया है, परंतु उसको बुलाने के लिए वो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत अपने कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र का लगातार दौरा कर रहे हैं। अब तक वो 40 वार्डों का दौरा कर चुके हैं तथा लोगों की समस्याओं को लगातार सुन रहे हैं और प्रतिदिन वो हर वार्ड में जाकर सुबह और शाम को लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। जो अधिकारी साथ में रहते हैं उनसे उन्हें हल करने की तुरंत निर्देश भी देते हैं। जी कायनात जी, तेजपाल जरा ये बताएं कि ये दौरा जो है कब तक रहने वाला है यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का, और लोगों में कितना उत्साह देखा जा रहा है इसको लेकर? यूडीएच मंत्री कल कोटा में और रहेंगे, सोमवार को भी कोटा में वो पद यात्रा करेंगे, उसके बाद उनका जयपुर जाने का कार्यक्रम है। साथ ही उन्होंने कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र के हर वार्ड का दौरा करना है, इसके लेकर भी वो आशान्वित है कि लोगों के बीच में कोई समस्या ना रहे। तेजपाल, जैसे अभी आपने कहा कि पूरे कोटा का नक्शा ही बदल दिया है, देखा जाए तो यहाँ से बीजेपी सांसद ओम बिरला जो हैं वो इस क्षेत्र से चुने गए हैं, लोकसभा चुनाव भी होना है और उससे पहले विधानसभा चुनाव होना है, तो जरा बताएं कि कोटा की जनता जो है इन तमाम विकास कार्यों को, और दोनों जनप्रतिनिधि जो है एक प्रकार से एक सरकार के जनप्रतिनिधि है तो दूसरे जो है सांसद है, इनके कामों को किस प्रकार से देख रही है? जी कायनात, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जो यहाँ के सांसद हैं वो केंद्र की योजनाओं को यहाँ पर लाने के लिए उत्सुक रहते हैं। कोटा में रेलवे स्टेशन का, 2 रेलवे स्टेशन है, उनका निर्माण कार्य प्रगति पे है, उनकी मरम्मत का काम चल रहा है। साथ ही एयरपोर्ट को लेकर भी लोकसभा अध्यक्ष बिल्कुल शंभूपुरा में एयरपोर्ट बनवाने के लिए कयावत कर रहे हैं, साथ ही उसके लिए उन्होंने वन विभाग से भी इसकी मंजूरी दिलवा दी है। वही यूडीएच मंत्री शांति कुमार धारीवाल अपने विभाग के जितने भी कार्य हैं उनको तेजी से निपटा रहे हैं, साथ ही उनको लोकार्पण करने की भी बहुत जल्दी है। कहीं विधानसभा चुनाव से पहले लोकार्पण रह गए तो उसका श्रेय कोई और दूसरा ना ले जाए। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया तेजपाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोटा में विकास कार्यों में इस वक्त जो है काफी तेजी देखी जा रही है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल पिछले 3 दिन से कोटा के दौरे पर हैं, सोमवार तक वो दौरे पर रहने वाले हैं और इस बीच कई विकास कार्यों की सौगात जो है वो कोटा को देंगे।